सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आइसिस क्रीम का पार्ट 4 आ चुका है, एंड जब से इस गेम का पार्ट 4 रिलीज हुआ है तो भाई तब से ही मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट आ रही हैं। इवन काफ़ी सारे लोग मेरे पास डिमांड कर रहे हैं कि भाई आइसिस क्रीम 4 गेम की फुल स्टोरी लेकर आओ। तो ओबियसली यार, मैं आप सभी लोग की डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ आइसिस क्रीम 4 गेम की फुल स्टोरी। तो अगर आपने इस गेम का पार्ट 4 खेल लिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस गेम के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रोड ने हमारे गेम के मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया है, देन वह उसको पकड़कर लेकर जा रहा होता है अपनी फैक्ट्री में। बट यार, अगर आपने आइसिस क्रीम का पार्ट 3 खेला होगा तो आपने उसमें एंड में देखा होगा कि जो जे होता है वो रोड से बचकर भाग जाता है। बट यार, बाद में ऐसा क्या हुआ कि रोड ने उसको दोबारा से पकड़ लिया, तो इस चीज का भी सीक्रेट आपको ये वाली स्टोरी में पता लगने वाला है। एंड इसी के साथ साथ यार, आपने जो है गेम में काफी सारे मिनी रोबोट एंड काफी सारी यूनिक चीजें भी देखी होंगी, तो यार इन चीजों का भी सीक्रेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जो इस गेम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट चीज है वो है रोड का पिंक रूम। तो अब आइसिस क्रीम 4 में रोड का पिंक रूम दिखाया जाता है, और इस पिंक रूम का सीक्रेट काफी सारे लोगों को नहीं पता। लोग नहीं जानते कि यार इस पिंक रूम के अंदर क्या है और इसका सीक्रेट क्या है। तो यार, आज की स्टोरी में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि उस पिंक रूम के अंदर क्या है एंड उसका सीक्रेट क्या है। तो यार, आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ भाई, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, देन चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो यार चलो, आज की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट बिना टाइम फड़े, लेट्स गो। बट यार, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस गेम के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इन तीनों ही पार्ट की स्टोरी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो अगर आप आइसिस क्रीम पार्ट 4 की स्टोरी को ठीक से समझना चाहते हो तो आप पहले इस गेम के तीनों ही पार्ट की स्टोरी को जाकर देख लो। मैं उन तीनों ही पार्ट की स्टोरी का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट एनीवेज गाइस, मैं आप लोगों को समझाने के लिए आइसिस क्रीम की स्टोरी शुरू से समझा देता हूँ शॉर्टली तरीके से, जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए पूरी स्टोरी। तो हमारे इस गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है रोड के बचपन से। दैट मीन जब रोड 6 साल का होता है तो ये अपने डैड के साथ रहता है, एंड इसी के साथ साथ रोड एक स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाता है। और जो रोड के डैड होते हैं उनका नाम जोसेफ सालेबेन होता है, और ये एक आइसक्रीम मेकर होते हैं। दैट मीन जोसेफ सालेबेन आइसक्रीम बनाते हैं और उसको बेचते हैं, एंड इनका एक छोटा सा आइसक्रीम का स्टॉल होता है जहां पर ये अपनी आइसक्रीम को बेचते हैं। जोसेफ सालेबेन की आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, सो दैट्स रीजन जो टाउन के ऑलमोस्ट सारे ही लोग होते हैं वो जोसेफ सालेबेन से ही आइसक्रीम को खरीदना और उसको खाना पसंद करते हैं। तो यार, इस तरह जो है इन दोनों की लाइफ चलती है, एंड ऐसे ही जो है काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है। और कुछ टाइम के बाद अब रोड भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। रोड अब स्कूल जाने के साथ साथ वो अपने डैड के साथ उनके आइसक्रीम के स्टॉल पर भी जाने लगता है उनकी हेल्प कराने के लिए। एंड जो रोड के डैड जोसेफ सालेबेन होते हैं, तो उनका आइसक्रीम का बिजनेस पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा चलता है कि वो अपने एक छोटे से स्टॉल से एक बहुत बड़ी आइसक्रीम की शॉप खोल लेते हैं, एंड वो उस शॉप का नाम रखते हैं फ्रोस्टी एंड व्हील्स, जो कि आप गेम में भी देख सकते हो। तो यार, अब होता क्या है, जोसेफ सालेबेन की शॉप की वजह से जो यार दूसरे आइसक्रीम मेकर की शॉप्स होती हैं उस टाउन में, तो उनकी शॉप जो है बहुत ही ज्यादा कम चलने लगती हैं। दैट मीन उस टाउन में बहुत ही कम लोग अदर आइसक्रीम मेकर से आइसक्रीम को खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ यार सारे ही लोग जो है मोस्ट ऑफ लोग उस टाउन के जोसेफ सालेबेन से ही आइसक्रीम को खरीदते हैं, क्योंकि उनकी आइसक्रीम बहुत ही ज्यादा यूनिक टेस्ट वाली होती है। सो दैट्स रीजन जो दूसरे आइसक्रीम मेकर्स होते हैं वो रोड के डैड जोसेफ सालेबेन से हेट करने लगते हैं, एंड वो उनकी शॉप को बंद कराना चाहते हैं क्योंकि उनकी दुकानें बिल्कुल भी नहीं चल रही होती हैं जोसेफ सालेबेन की वजह से। तो यार, अब होता क्या है, उस टाउन के अदर जो आइसक्रीम मेकर्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, एंड वो अपना पूरा ग्रुप बनाते हैं। देन वो सारे ही आइसक्रीम मेकर्स मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं कि वो रोड के डैड को किडनैप करेंगे। देन किडनैप करने के बाद वो उनसे उनकी आइसक्रीम की रेसिपी पूछेंगे, जिससे यार वो अपनी आइसक्रीम को भी टेस्टी बना सकें, देन उसको बेच सकें और उनकी दुकानें भी चल सकें। तो अब होता क्या है, वो आइसक्रीम मेकर ये प्लानिंग बना के रोड के डैड को किडनैप कर लेते हैं फाइनली। देन वो उनको किडनैप करने के बाद एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, और वो दूसरे आइसक्रीम मेकर्स रोड के डैड से उनके आइसक्रीम की रेसिपी पूछते हैं। बट यार, जो रोड के डैड जोसेफ सालेबेन होते हैं वो उन अदर आइसक्रीम मेकर को अपने आइसक्रीम की रेसिपी नहीं बताते हैं, एंड ऐसे ही जो है यार काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है। और 2-3 घंटे तक वो दूसरे आइसक्रीम मेकर्स काफी ज्यादा फोर्सफुली उनसे पूछते हैं, लेकिन जो जोसेफ सालेबेन होते हैं वो अपनी आइसक्रीम की रेसिपी उन आइसक्रीम मेकर्स को नहीं बताते। तो अब होता क्या है यार, इससे जो है वो दूसरे आइसक्रीम मेकर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। देन वो गुस्से में रोड के डैड जोसेफ सालेबेन का मर्डर कर देते हैं, उनको मार देते हैं, और जोसेफ सालेबेन का मर्डर का
ब्लेम उन आइसक्रीम मेकर्स के ऊपर ना आए, तो यार वो उनके मर्डर को एक कार एक्सीडेंट के रूप में बदल देते हैं जिससे यार कोई भी जो है उनको पकड़ ना सके। तो अब होता क्या है यार, अगले दिन जो है रोड को पता लग जाता है कि उनके डैड की डेथ हो चुकी है। और जैसे ही रोड को पता लगता है कि उसके डैड मर चुके हैं तो रोड बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। बिकॉज ऑफ यार जो रोड था वो अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। काफ़ी दिन रोने के बाद रोड खुद अपने डैड की दुकान पर बैठने लगता है, वो अपने डैड की आइसक्रीम की दुकान चलाने लगता है। बिकॉज ऑफ रोड नहीं चाहता कि जो उसके डैड ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके उस शॉप को खोला था तो वो हमेशा के लिए बंद हो, इसलिए रोड अपने डैड की दुकान को चलाने लगता है। देन दोबारा से जो टाउन के लोग होते हैं वो रोड की दुकान से ही आइसक्रीम को खरीदने लगते हैं। फिर से जो दूसरे आइसक्रीम मेकर्स होते हैं तो उनकी दुकानें धीरे धीरे करके डाउन होने लगती हैं क्योंकि रोड जो है अब अपने डैड की दुकान को चलाने लगता है। तो यार ये चीज देखकर जो वो दूसरे आइसक्रीम मेकर्स होते हैं वो रोड से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड अब रोड की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कराना चाहते हैं। तो अब दूसरे आइसक्रीम मेकर्स मिलकर आपस में एक और प्लानिंग बनाते हैं कि वो जो है रोड को डरा धमका कर उसकी दुकान से भगा देंगे, देन उसकी दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो अब होता क्या है यार, वो आइसक्रीम मेकर्स ऐसा ही करते हैं, वो रोड की दुकान पर रोड के पास जाते हैं, देन वो रोड से काफी ज्यादा निगेटिव बातें बोलते हैं। वो रोड से बोलते हैं कि तेरे पापा की डेथ किसी भी कार एक्सीडेंट में नहीं हुई, बल्कि जिन लोगों को तू आइसक्रीम बेचता है तो उन्हीं टाउन के लोगों ने तेरे पापा से हेट करके उनको मार दिया। दैट मीन टाउन के कुछ लोग तेरे डैड से बहुत ही ज्यादा हेट करते थे और वो उनकी सक्सेस को नहीं देख पा रहे थे, सो इसलिए टाउन के कुछ लोगों ने मिलकर तेरे डैड को मार दिया। तो यार उस टाइम पर जो रोड होता है वो काफी ज्यादा दुखी होता है और इसी के साथ साथ रोड उस टाइम पर काफी ज्यादा छोटा भी होता है, वो एक टीनेजर ही होता है। तो वो उन आइसक्रीम मेकर्स की ये वाली बात को अपने माइंड में सच मानने लगता है, वो मानने लगता है कि टाउन के लोगों ने ही उसके डैड को मारा है। तो अब रोड टाउन के लोगों पर काफी ज्यादा नफरत करने लगता है, वो उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। रोड सोचता है कि टाउन के लोगों ने उसके डैड को उससे छीन लिया एंड रोड अब टाउन के लोगों से बदला लेना चाहता है। तो अब रोड एक प्लानिंग बनाता है कि वो एक आइसक्रीम की वैन खरीदेगा, देन वो टाउन टू टाउन अपनी आइसक्रीम की वैन को लेकर जाएगा और आइसक्रीम बेचने के बहाने से वो लोगों के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके अपने साथ ले जाएगा, जिससे यार टाउन के लोगों को भी ऐसा ही फील होगा जिस तरह उस टाइम रोड फील कर रहा था। तो अब रोड यार टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए वो अपने डैड की दुकान को बंद करके कहीं दूर चला जाता है अपने घर से। देन वो बाद में एक आइसक्रीम की वैन को परचेस कर लेता है और वो टाउन टू टाउन अपनी वैन को लेकर जाता है और वो आइसक्रीम बेचने के बहाने से लोगों के छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके ले जाता है अपने साथ। तो रोड यार इस तरह जो है अपना बदला पूरा करता है, वो इस तरह अपना मिशन पूरा करता है। तो एक दिन होता क्या है, रोड एक टाउन में जाकर एक छोटे से बच्चे को किडनैप कर लेता है जिसका नाम चार्ली होता है। तो इतने में ही यार जो चार्ली का फ्रेंड जे होता है, जो हमारे गेम का मेन कैरेक्टर होता है, तो वो अपने दोस्त चार्ली को किडनैप होता हुआ देख लेता है रोड के हाथों और यहीं से इस गेम का पार्ट वन स्टार्ट होता है। तो अब जे क्या करता है यार, वो अपने फ्रेंड चार्ली को बचाने के लिए रोड की वैन में बैठ जाता है। देन वो काफी टाइम के बाद बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने दोस्त चार्ली को फाइनली छुड़ा लेता है और यहीं पर जो है इस गेम की पार्ट वन की स्टोरी खत्म हो जाती है और यहीं से पार्ट टू स्टार्ट होता है। तो पार्ट टू में जो चार्ली की सिस्टर लीज होती है तो रोड उसको किडनैप करके ले जाता है एंड अगेन जो जे होता है वो फिर से लीज को किडनैप होता हुआ देख लेता है और वो अपने दोस्त की सिस्टर को छुड़ाने के लिए, दैट मीन लीज को छुड़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है। देन फाइनली वो रोड की बैन में लीज को भी छुड़ा लेता है रोड के कैच से। बट यार जैसे ही कूदने की बारी आती है बैन में से, तो जो जे होता है वो बैन में से कूद जाता है, बट जो लीज होती है वो नहीं कूद पाती बैन में से। बिकॉज ऑफ उस टाइम पर जो रोड की बैन होती है वो काफी ज्यादा स्पीड में होती है, सो इसी डर से जो लीज होती है वो बैन में से नहीं कूद पाती और वो रोड के साथ ही चली जाती है एंड यहीं पर हमारे इस गेम का पार्ट टू भी फिनिश हो जाता है। तो पार्ट थ्री में यार जो चार्ली होता है वो भी गायब होता है और जो चार्ली का एक नया दोस्त होता है माइक, तो उसको भी रोड किडनैप करके अपने साथ ले जाता है एंड जो लीज होती है तो उसको ऑलरेडी रोड अपने साथ किडनैप करके लेके जा चुका होता है। तो यार जो अब जे होता है वो अपने तीनों ही दोस्तों को रोड से बचाना चाहता है, दैट मीन चार्ली, माइक और लीज को जे छुड़ाना चाहता है। तो फाइनली काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जे अपने तीनों ही दोस्तों को रोड के बैन में छुड़ा लेता है और वो रोड के बैन से अपने घर को जा रहे होते हैं। लेकिन यार इतने में ही क्या होता है, जो रोड होता है उसको पता लग जाता है कि उसके बैन में कुछ बच्चे हैं। देन जैसे ही रोड पीछे जाकर देखता है तो वो उन तीनों ही बच्चों को देख लेता है। देन रोड उन तीनों ही दोस्तों को फ्रीज कर देता है, दैट मीन चार्ली, माइक और लिस को। और जो जे होता है रोड उसको नहीं देख पाता, बिकॉज ऑफ जो जे होता है वो अपने दोस्तों के पीछे छिप जाता है जिसकी वजह से वो रोड से बच जाता है, रोड उसको फ्रीज नहीं कर पाता। तो यार अब क्या होता है, जो जे के फ्रेंड्स होते हैं वो तीनों ही फ्रीज हो चुके होते हैं। तो अब जे सोचता है कि वो अकेला ही उस बैन से कूद जाएगा, देन वो बाद में आकर अपने दोस्तों को बचा लेगा, क्योंकि अगर वो अभी नहीं गया वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा तो जो रोड होगा वो उसको भी फ्रीज कर देगा, देन फिर उनको कोई नहीं बचा सकता। सो दैट्स रीजन जो जे होता है वो उस बैन में से कूद जाता है, वो रोड के बैन में से कूद जाता है एंड जो जे के फ्रेंड्स होते हैं वो रोड के साथ ही चले जाते हैं उसकी फैक्ट्री में, रोड उनको अपने साथ लेकर चला जाता है। और भाई साहब यहीं से स्टार्ट होती है हमारी आइसक्रीम
4 गेम की स्टोरी। तो अब क्या होता है, जो जय होता है वो अपने घर पर वापस आ जाता है रोड से बचकर। जय काफी ज्यादा परेशान होता है, वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है रोड से। लेकिन यार उधर क्या होता है, जो रोड होता है वो उन तीनों ही दोस्तों को अपनी सीक्रेट फैक्ट्री में लेकर पहुंच जाता है और वो उनको वहां पर ले जाकर बंद कर देता है। बट यार जिस टाइम पर रोड उन तीनों ही दोस्तों को अपनी फैक्ट्री में ले जाकर बंद करता है, तो उस टाइम पर रोड की फैक्ट्री उस तरह नहीं होती है जिस तरह की आइसक्रीम 4 में दिखाई जाती है। दैट मीन जब रोड की फैक्ट्री काफी ज्यादा छोटी होती है, उसकी फैक्ट्री में 2 या 3 ही रूम होते हैं, देन इसी के साथ साथ उसकी फैक्ट्री में ना ही कोई सिक्योरिटी होती है, ना ही कोई कैमरा होता है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है, ना ही कोई मिनी रोबोट्स होते हैं जैसा कि अब आइसक्रीम 4 की फैक्ट्री में होते हैं। तब जो उसकी फैक्ट्री थी वो एक नॉर्मल सी फैक्ट्री थी, एक छोटी सी फैक्ट्री थी और वहां पर सिर्फ रोड ही रहा करता था, रोड ही वहां का ध्यान रखा करता था और उसके अलावा कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो यार अब क्या होता है, रोड उन तीनों ही दोस्तों को ले जाकर अपनी एक फैक्ट्री के छोटे से रूम में बंद कर देता है जहां पर और भी काफी सारे पहले से बच्चे होते हैं जो कि रोड उनको किडनैप करके लेकर आया हुआ होता है। देन इसके अलावा यार जो उन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेकर। लेकिन यार उन बच्चों के पेरेंट्स को जरा सा भी ये अंदाजा नहीं होता कि उनके बच्चों को एक आइसक्रीम मेकर ने किडनैप किया है, दैट मीन रोड ने किडनैप किया है। क्योंकि यार जो रोड था वो बच्चों को इतनी सीक्रेट तरीके से किडनैप करता था कि किसी को पता ही नहीं था कि रोड एक किडनैपर है और वही बच्चों को किडनैप कर रहा है। तो इसलिए जो रोड था वो कभी भी नहीं पकड़ा जाता था किसी से भी। तो अब क्या होता है यार, इधर जो जय होता है वो अभी भी अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है, वो अपने दोस्तों को बचाने की सोचता है। बट जो जय के पेरेंट्स होते हैं वो जय को बाहर नहीं निकलने देते हैं उसके घर से, दैट मीन जय को अलाउ नहीं होता है घर से बाहर निकलना। लेकिन यार जय को जब भी मौका मिलता अपने घर से बाहर निकलना तो वो तभी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाता था। जय काफी टाइम तक अपने दोस्तों को ढूंढता है, दैट मीन उसको काफी ज्यादा टाइम हो जाता है अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते। बट जो जय होता है वो अपने दोस्तों को नहीं ढूंढ पाता है बिकॉज ऑफ यार जो रोड की सीक्रेट फैक्ट्री होती है वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पर होती है और रोड के अलावा कोई भी उसकी फैक्ट्री का रास्ता या फिर एड्रेस नहीं जानता था, रोड ही सिर्फ अपनी फैक्ट्री तक जा सकता था। सो दैट्स रीजन जो जय होता है वो रोड की फैक्ट्री को नहीं ढूंढ पाता है और ना ही वो अपने दोस्तों को ढूंढ पाता है। लेकिन यार जो जय होता है वो फिर भी काफी ज्यादा कोशिश करता है अपने दोस्तों को बचाने की, उनको ढूंढने की, एंड वो काफी ज्यादा टाइम तक अपने दोस्तों को ढूंढता ही रहता है और ऐसे ही बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है लेकिन उसके दोस्त उसको नहीं मिलते, रोड की सीक्रेट फैक्ट्री उसको नहीं मिलती। तो यार अब जो है जय मानने लगता है काफी टाइम के बाद कि उसके तीनों ही दोस्तों को रोड ने अब तक मार दिया होगा और उसके तीनों ही दोस्त अब तक मर चुके होंगे। और ये वाली बात सोचकर जो जय होता है वो अपने दोस्तों को ढूंढना बंद कर देता है एंड वो दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने लगता है। बट यार उधर रोड की फैक्ट्री में क्या होता है, जो रोड होता है वो सारे ही बच्चों को अब चबी कर देता है अपनी आइसक्रीम खिला खिलाकर जो कि उसने किडनैप किए हुए होते हैं, या फिर जो बच्चे उसकी फैक्ट्री में बंद होते हैं तो वो उन सभी को चबी कर देता है अपनी आइसक्रीम खिलाकर एंड वो एक एक करके बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और वो अपनी फैक्ट्री के दूसरे रूम में उन बच्चों को ले जाकर एक सीक्रेट मशीन में डाल देता है। देन मशीन में जाने के बाद जब वो चबी बच्चा होता था वो फ्रीज हो जाता था एंड वो बच्चा फ्रीज होने के बाद वो मर जाता था। देन बाद में रोड उस मशीन के थ्रू उस बच्चे की बॉडी से एक केमिकल बनाता था और वही केमिकल वो अपनी आइसक्रीम में डालता था जिसकी वजह से जो उसकी आइसक्रीम होती थी वो काफी ज्यादा टेस्टी होती थी और उसी केमिकल की वजह से जो भी उसकी आइसक्रीम को खाता था तो वो आइसक्रीम खाने के बाद सेकंडों में या फिर कुछ मिनटों के बाद ही चबी हो जाता था या फिर मोटा हो जाता था उस केमिकल की वजह से जो कि रोड बनाता था चबी बच्चे की बॉडी से अपनी सीक्रेट मशीन के थ्रू। तो यार अब क्या होता है, रोड ऐसा ही करता है, वो काफी सारे बच्चों को चबी कर करके अपने साथ लेकर जाता है, देन वो उनको अपनी सीक्रेट मशीन में डालकर वो अपनी मशीन के थ्रू उनकी बॉडी से वो केमिकल बनाता है जिसको वो अपनी आइसक्रीम में डालता है एंड वो आइसक्रीम सारे ही बच्चों को खिलाकर चबी बना देता है। तो यार रोड की ये चीज देखकर जो जय के तीनों ही फ्रेंड होते हैं मतलब माइक, चार्ली और लीज, वो काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड ये भी अब काफी ज्यादा चबी हो चुके होते हैं बिकॉज रोड ने भी इनको आइसक्रीम खिला खिलाकर काफी ज्यादा मोटा कर दिया होता है एंड अब इनकी भी बारी कभी भी आने वाली होती है। रोड इन तीनों को अपनी मशीन में डालकर कभी भी मार सकता था। सो दैट्स रीजन ये तीनों ही फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड इन तीनों को पता होता है कि जो रोड है यार वो सारे चबी बच्चों को अपनी एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, देन वो उनको मशीन में डालकर उनको मारकर उनकी बॉडी से एक केमिकल बनाता है। तो ऐसे ही जो है काफी ज्यादा टाइम निकल जाता है एंड जो इधर जय होता है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है सारी बातें भूल कर। सो अब इधर रोड की फैक्ट्री में क्या होता है कि रोड जो है एक दिन बच्चों को किडनैप करने के लिए अपनी बैंड लेकर अपनी फैक्ट्री से निकल जाता है एंड जो रोड के पास बच्चे होते हैं उसकी फैक्ट्री में किडनैप हुए हुए तो वो वहां पर अकेले रह जाते हैं उसकी फैक्ट्री में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि उस टाइम पर रोड की फैक्ट्री में ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था, ना ही कोई कैमरा था, ना ही कोई रोबोट था, तो इसलिए वो बच्चे रोड की फैक्ट्री में अकेले रह जाते हैं। तो यार अब क्या होता है, जिस रूम में वो सारे ही बच्चे बंद होते हैं अलग अलग कैज में, तो उनमें से एक बच्चे का कैज खुल जाता है जिसका नाम होता है लीज, मतलब जो चार्ली की बहन होती है लीज, तो उसका कैज अनफॉर्चुनेटली खुल जाता है एंड जैसे ही लीज का कैज खुलता है तो लीज जो है हाथों हाथ अपने कैज से बाहर निकलती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। देन लीज अपने सारे ही दोस्तों के साथ साथ उन सारे
बच्चों को छुड़ाना चाहती है उस कैद से, वो निकालने की कोशिश करती है उन सारे बच्चों को उन कैद से। बट यार जो लीज होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, एंड जो वो कैद होते हैं जिसमें वो सारे बच्चे बंद होते हैं तो वो काफी ज्यादा रफ, काफी ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से लीज उन कैद को नहीं खोल पाती। लेकिन यार लीज काफी ज्यादा ट्राई करती है उन कैद को खोलने का, बट वो नहीं खोल पाती। तो अब लीज यार एक प्लानिंग बनाती है कि वो अकेले ही रोड की फैक्ट्री से निकल जाएगी, देन वो बाद में पुलिस को लेकर रोड की फैक्ट्री में आएगी और वो अपने दोस्तों को बचा लेगी। तो यार ये प्लानिंग होती है लीज की, एंड फाइनली वो रोड की फैक्ट्री से निकल जाती है। तो यार इतने में क्या होता है, जैसे ही लीज रोड की फैक्ट्री से निकलती है तो इतने में ही रोड अपनी फैक्ट्री में वापस आ जाता है। एंड जैसे ही वो उस रूम में जाता है जहां पर उसने सारे बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ होता है, तो वो क्या देखता है कि वहां पर एक कैच खुला हुआ होता है और वहां पर जो है लीज गायब होती है। जैसे ही रोड को ये वाली बात पता लगती है कि उसका एक बच्चा वहां से गायब है, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बट यार रोड को ये भी पता होता है कि लीज उसकी फैक्ट्री से भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, और रोड उसको पकड़ने के लिए तुरंत अपनी फैक्ट्री से निकल जाता है। तो अब इधर क्या होता है, जो लीज होती है वो रोड की फैक्ट्री से बस थोड़ा ही दूर चलती है, तो उसको इतने में ही एक पीसीओ दिखता है, दैट मीन पब्लिक कॉल स्टेशन दिखता है। सो ऑब्वियसली जो लीज होती है उस पब्लिक कॉल स्टेशन में जाती है, एंड उस कॉल स्टेशन में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल लीज अपने दोस्त जे को कॉल लगाती है, देन वो जे को बताती है रोड के सारे सीक्रेट। लाइक वो बताती है कि रोड जो है सारे बच्चों को चबी कर देता है पकड़ने के बाद, देन वो एक एक करके सारे चबी बच्चों को एक सीक्रेट मशीन में बंद कर देता है और वो उनको मारकर उनकी बॉडी से एक सीक्रेट केमिकल बनाता है, देन वो वही केमिकल अपनी आइसक्रीम में डालकर और बच्चों को खिला खिलाकर चबी कर देता है। और इसी के साथ साथ जो लीज होती है वो जे को बताती है कि वो तीनों अभी भी जिंदा है, बट वो खुद रोड की फैक्ट्री से एस्केप कर चुकी है, लेकिन जो उसके दोस्त माइक और चार्ली है वो अभी भी रोड के पास है उसकी फैक्ट्री में बंद हुए। ये सारी बातें बताने के बाद, ये सारे सीक्रेट बताने के बाद, जैसे ही लीज रोड की फैक्ट्री के बारे में जे को बताती है, एंड जैसे ही वो रोड की फैक्ट्री का एड्रेस जे को बताने वाली होती है, तो यार इतने में ही क्या होता है, जो रोड होता है वो पीसीओ में मतलब पब्लिक कॉल स्टेशन में लीज को देख लेता है, देन यार वो एकदम से पब्लिक कॉल स्टेशन में जाके लीज को पकड़ लेता है, उसको कैच कर लेता है। एंड इतने में ही क्या होता है, जो उसकी कॉल होती है वो कट जाती है, और जो लीज होती है यार वो जे को कोई भी एड्रेस नहीं बता पाती है रोड की फैक्ट्री का। तो यार अब इधर क्या होता है, जो जे होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है अपनी दोस्त की आवाज सुनकर, बिकॉज ऑफ जो जे था वो मान चुका था कि जो उसके दोस्त हैं वो अब तक मर चुके हैं, एंड रोड ने उन सबको मार दिया होगा। बट यार जैसे ही उसको पता लगता है कि उसके तीनों ही दोस्त अभी जिंदा है, दैट मीन माइक, चार्ली और लीज अभी भी जिंदा है, तो जे काफी ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है अपने दोस्तों को बचाने का, एंड वो दोबारा से रोड से अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। लेकिन यार इधर क्या होता है, जो रोड होता है वो दोबारा से लीज को ले जाकर अपनी फैक्ट्री में उन्हीं बच्चों के साथ उस रूम में बंद कर देता है। बट यार इसी के साथ साथ रोड काफी ज्यादा परेशान होता है ये वाली बात को लेकर। रोड सोचता है कि यार आज इतनी सी बच्ची उससे छूटकर भाग चुकी है उसकी फैक्ट्री से निकलकर, तो कल को और कोई बच्चा भी भाग सकता है उससे छूटकर, एंड अगर उस बच्चे ने रोड की पुलिस कंप्लेंट कर दी तो जो रोड है वो एक्सपोज हो जाएगा, एंड जो उसके सारे सीक्रेट्स हैं वो सबके सामने आ जाएंगे, और रोड का सबको पता लग जाएगा कि वो ही सबको किडनैप करता है, वो ही छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करता है, देन जो उसका मिशन है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो यार रोड जो है अपने मिशन के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो रोड अब क्या सोचता है कि वो जो है अपनी फैक्ट्री को अब अपग्रेड करेगा और वो अपनी फैक्ट्री की काफी सारी सिक्योरिटी बढ़ा देगा, जिससे यार आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा उससे छूटकर ना भाग सके उसकी फैक्ट्री से और वो ना पकड़ा जाए। तो यार अब रोड क्या करता है, वो अपनी फैक्ट्री को काफी ज्यादा बड़ा बनवा देता है, देन इसी के साथ साथ रोड अपनी फैक्ट्री में काफी सारे सिक्योरिटी कैमरे लगवाता है और वो अपनी फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा होल बनवाता है जिसमें वो काफी सारे कैज रखवा देता है, एंड वो उन कैज में सारे बच्चों को ले जाकर बंद कर देता है, देन वो उन कैजेस में एक इलेक्ट्रिक लॉक लगाता है और वो उस इलेक्ट्रिक लॉक का पॉइंट एक सीक्रेट रूम में ले जाकर रख देता है और वो उस सीक्रेट रूम के आगे एक बहुत बड़ा रोबोट खड़ा कर देता है। देन इसी के साथ साथ उन बच्चों के लिए रोड काफी सारे मिनी रोबोट्स भी रख देता है अपनी फैक्ट्री में, जिससे यार कोई भी बच्चा उससे छूटकर ना भाग सके, या फिर अगर कोई भी बच्चा उससे निकलने की कोशिश करता है तो जो वो मिनी रोबोट्स हैं वो उसको अलर्ट कर सके। एंड इसी के साथ साथ रोड अपनी फैक्ट्री में आने जाने के रास्ते को भी काफी ज्यादा कंफ्यूज, काफी ज्यादा टफ बना देता है, जिससे यार कोई भी उसकी फैक्ट्री में अंदर या बाहर ना जा सके उसकी मर्जी के बगैर, एंड वो आने जाने वाले रास्ते में काफी सारे गेट्स लगवा देता है और वो उनको पूरी तरह से लॉक कर देता है, जिससे यार कोई भी बच्चा उसकी फैक्ट्री से ना निकल सके। तो यार इस तरह जो रोड होता है वो अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि यार रोड लीज के भागने के बाद काफी ज्यादा इनसिक्योर और काफी ज्यादा डर चुका था, और वो नहीं चाहता था कि यार उसका मिशन फेल हो किसी भी बच्चे की वजह से। तो यार यही रीजन होता है जो रोड अपनी फैक्ट्री को काफी ज्यादा अपग्रेड करता है, वो अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री को एक बहुत बड़ा फैक्ट्री में बदल देता है और उसमें काफी सारी सिक्योरिटी और काफी सारे रोबोट छोड़ देता है। लेकिन यार इसी के साथ साथ रोड अपनी फैक्ट्री में एक और चीज बनवाता है जिसका नाम होता है पिंक रूम, और वो उस पिंक रूम के अंदर अपनी वही वाली सीक्रेट मशीन को ले जाकर रखता है, जिस मशीन में यार वो चबी बच्चों को डालकर उनकी बॉडी से केमिकल बनाता था। तो यार रोड अपने पिंक रूम में उसी सीक्रेट मशीन को ले जाकर रखता है। देन आपने आइसक्रीम 4 में देखा भी होगा कि रोड जो है शुरू शुरू में उन बच्चों से बोलता है कि मैं जो है बहुत जल्द तुम्हें इस पिंक रूम में लेके जाने
करने वाला हूँ और मैं जो है तुम्हारी बॉडी से एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। तो जो रोड है इनडायरेक्टली वो उसी मशीन के बारे में बता रहा होता है उन बच्चों को। तो आई होप सो कि यार अब आपको पता लग गया होगा कि आइस स्क्रीम 4 में जो आप पिंक रूम देखते हो तो उसके अंदर क्या है और उसका सीक्रेट क्या है। तो यार उस पिंक रूम के अंदर वही सीक्रेट मशीन होती है जिसमें वो चबी बच्चों को डालकर वो केमिकल बनाता है। ओके तो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। तो यार अभी इधर क्या होता है, जो जे होता है उसको सारे ही सीक्रेट पता लग चुके होते हैं रोड के, बिकॉज ऑफ लीज ने जे को रोड के सारे ही सीक्रेट कॉल पर बता दिए होते हैं उस पीसीओ से, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टोरी में बताया था। जे को पता लग जाता है कि जो रोड है वो चबी बच्चों को पकड़ना ज्यादा पसंद करता है। देन इसी के साथ साथ जे को रोड के वो केमिकल का सीक्रेट भी पता लग जाता है कि उस केमिकल को आइसक्रीम में खाने से बच्चे मोटे या चबी हो जाते हैं। तो यार अब जे जो है अपने दोस्तों को रोड से छुड़ाने के लिए एक प्लानिंग बनाता है और वो प्लानिंग ये होती है कि वो रोड की वो सीक्रेट केमिकल वाली आइसक्रीम को खाएगा, देन वो उसको खाकर चबी हो जाएगा। फिर जब कभी भी रोड उसके टाउन में आइसक्रीम बेचने के लिए आएगा तो वो उसके पास जाएगा, देन जैसे ही रोड जे को देखेगा तो वो उसको ऑब्वियसली किडनैप कर लेगा, बिकॉज ऑफ यार जो रोड है वो चबी बच्चों को पकड़ना काफी ज्यादा पसंद करता है क्योंकि यार वो चबी बच्चों के बॉडी से ही उस केमिकल को बना सकता है। बाद में रोड जे को पकड़कर अपनी सीक्रेट फैक्ट्री में ले जाएगा और जो जे है वो फाइनली अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगा। अब क्या होता है, जो जे होता है वो ये प्लानिंग को सोच लेता है, देन वो ऐसा ही करता है। और हाँ यार मैं आपको एक बात बता दूं कि जे के पास वो रोड का सीक्रेट केमिकल पहले से ही होता है। तो अगर आप लोगों ने आइस क्रीम का पार्ट वन खेला होगा तो आप लोगों को पता होगा कि आइस क्रीम के पार्ट वन के एंड में जब हम चार्ली को छुड़ाते हैं तो चार्ली रोड के बैन में से एक मिक्सी मशीन लेकर आता है, देन हम उस मिक्सी मशीन को अपने साथ ले जाते हैं। एंड फिर इस गेम के चैप्टर 2 में एंड में क्या होता है, जब हम लिस को छुड़ाते हैं तो लिस को छुड़ाने के बाद हमें काफी सारे एग यानी अंडे भी मिलते हैं और फिर वो अंडे भी हम अपने साथ ले आते हैं और उनको रख देते हैं। और फिर इस गेम के पार्ट 3 में लास्ट में क्या होता है, जब रोड हमारे सारे दोस्तों को ले जाता है अपने साथ, देन जिस मोमेंट पर रोड अपनी बैन में जे के उन तीनों ही दोस्तों को फ्रीज कर रहा होता है तो उस टाइम पर हमको वो केमिकल मिल जाता है जो रोड चबी बच्चों के बॉडी से बनाता है अपने मशीन के थ्रू। एंड हम उस केमिकल को लेके बैन में से कूद जाते हैं, देन उस केमिकल को भी हम लाकर घर पर रख देते हैं और तब से ही वो केमिकल जे के पास होता है। तो अब जे के पास रोड की आइसक्रीम की पूरी रेसिपी होती है एंड जो जे होता है वो अब आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देता है, देन वो जो है फाइनली उस केमिकल से आइसक्रीम को बना लेता है और उसको खा लेता है। और जैसे ही वो उस आइसक्रीम को खाता है, आइसक्रीम खाने के बाद जे सेकंडों में ही काफी ज्यादा चबी और मोटा हो जाता है। देन वो इंतजार करता है रोड को अपने टाउन में आने का। तो यार कुछ टाइम के बाद होता है क्या है, रोड फाइनली जे के टाउन में आ ही जाता है अपनी आइसक्रीम बेचने के लिए, मींस बच्चों को किडनैप करने के लिए। तो जैसे ही जे को पता लगता है कि रोड उसके टाउन में आ चुका है बच्चों को किडनैप करने के लिए, तभी जे अपने घर से बाहर निकलता है, देन वो रोड के बैन के पास जाता है। एंड जैसे ही वो रोड के पास जाता है तो ऑब्वियसली जो रोड होता है वो जे को पकड़ लेता है, बिकॉज ऑफ यार जो रोड था वो चबी बच्चों को पकड़ना बहुत ज्यादा पसंद करता था और जे काफी ज्यादा चबी हो चुका था। तो अब क्या होता है, जो रोड होता है वो जे को फ्रीज करके अपनी बैन में बंद कर देता है एक केज में, देन वो फाइनली उसको अपनी फैक्ट्री में ले जाता है सीक्रेट वाली। रोड जे को पकड़ने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन रोड को ये नहीं पता होता कि जे की ये सब प्लानिंग है एंड जे खुद अपनी मर्जी से उसके साथ उसकी फैक्ट्री में आया है अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए। तो अब क्या होता है यार, जैसे कि आप लोगों ने गेम में भी देखा हुआ कि जो रोड होता है वो जे को अपनी फैक्ट्री में लेकर जाता है, देन वो उसको एक बड़े से हॉल में लेकर जाता है जहां पर काफी सारे कैज होते हैं और उन्हीं कैज में उसके तीनों दोस्त भी बंद होते हैं। तो अब रोड क्या करता है यार, वो उन्हीं कैज में से एक कैज में हमारे गेम के मेन कैरेक्टर यानी जे को भी बंद कर देता है। एंड जैसे ही जे को उसके तीनों फ्रेंड देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम यहां पर कैसे आए और तुम्हें रोड ने कैसे पकड़ लिया। एंड यहीं पर हमको देखने के लिए मिलती है फर्स्ट टाइम रोड की सीक्रेट फैक्ट्री, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है अंदर से और उसमें काफी सारी सिक्योरिटी और रोबोट्स भी होते हैं। तो अब रोड जे को बंद कर देता है एक कैज में एंड वो जो है उनको पिंक रूम के बारे में बताता है, देन जो रोड होता है वो वहां से चला जाता है। तो रोड के जाने के बाद जो जे होता है वो अपने प्लान के मुताबिक काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि यार वो अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जे जो है कैसे ना कैसे करके अपना कैज खोल लेता है, देन वो बाहर आ जाता है क्योंकि यार जो जे है वो सबसे ज्यादा चालाक बंदा है इन सारे ही दोस्तों में। जे बाहर निकलने के बाद अपने दोस्तों को भी उन कैज से बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट यार जो जे के फ्रेंड्स होते हैं वो जे को बोलते हैं कि हमारे कैज में इलेक्ट्रिक लॉक लगे हुए हैं एंड जो इन लॉक का पॉइंट है, जो उसको खोलने का पॉइंट है, वो एक सीक्रेट रूम में है एंड उस सीक्रेट रूम के आगे एक काफी ज्यादा बड़ा रोबोट है। तो यार जो जे होता है वो अपने दोस्तों के कैज को खोलने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है उस सीक्रेट रूम तक पहुंचने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। वो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी फैक्ट्री को एक्सप्लोर करता है, देन एक्सप्लोर करने के बाद वो काफी सारे टास्क करता है एंड वो क्लू से क्लू जोड़कर फाइनली वो उस सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है उस बड़े से रोबोट को मारकर, देन वो अपने दोस्तों को सक्सेसफुली छुड़ा लेता है उन कैद से। लेकिन यार जैसे ही उसके दोस्त कैद से बाहर निकलते हैं तो वो काफी सारा शोर मचाने लगते हैं, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जैसे ही यार उनकी शोर की आवाज रोड सुनता है तो वो एकदम से हॉल में आ जाता है। एंड अगेन जैसा आइस क्रीम 3 में होता है,
जैसे ही रोड उस हॉल में एंट्री करता है तो वो क्या देखता है कि वो सारे ही दोस्त जो है कैद से बाहर आ गए हैं, और रोड जो है काफी ज्यादा शॉक्ड भी हो जाता है कि ये बाहर कैसे निकले, और वो फिर से जो है उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन रोड अब की बार आइस क्रीम 3 की एंडिंग की तरह उन तीनों ही दोस्तों को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि अब की बार वो तीनों ही दोस्त रोड को आता हुआ देख लेते हैं अपनी तरफ। देन जैसे ही वो तीनों दोस्त रोड को देखते हैं आता हुआ, सो वो तीनों ही फ्रेंड्स रोड से बचने के लिए उस हॉल में 3 सीक्रेट पाइप्स होते हैं, तो वो उन पाइप्स में चले जाते हैं। लेकिन यार जब वो तीनों ही सीक्रेट पाइप्स होते हैं जिनमें वो दोस्त गए हैं रोड से बचने के लिए, तो वो तीनों ही पाइप्स रोड की फैक्ट्री के अंदर ही जाकर खुलते हैं। दैट मीन वो तीनों ही दोस्त अभी भी रोड की फैक्ट्री के अंदर ही है, क्योंकि वो पाइप रोड की फैक्ट्री के बाहर नहीं जाते। एंड यहीं पर हमारे आइस क्रीम 4 गेम की स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आई होप सो कि यार आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड आपको काफी सारे सीक्रेट भी पता लगे होंगे। मैंने आपको आइस क्रीम 4 की स्टोरी शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ज्यादा डीपली सब कुछ समझा दिया है, एंड काफी सारे सीक्रेट भी आपको बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिंक रूम का सीक्रेट क्या है, एंड इसी के साथ साथ जो रोड था तो उसने अपनी फैक्ट्री को किस तरह अपग्रेड किया और क्यों किया, और जो जय था वो रोड से क्यों पकड़ा गया था और वो उसके साथ फैक्ट्री में क्यों गया था। तो आई होप सो कि यार आपको जो है इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक कर दो, देन मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाली स्टोरी कैसी लगी। देन हाँ यार मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊं। और ये रहे कुछ लोगों के कमेंट को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो इस वीडियो के नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट करो, और मुझे जिसकी भी कमेंट सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी तो मैं आने वाली वीडियो में उसको शॉर्ट आउट दूंगा पक्का। तो ओके यार हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक की, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ भाई सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देन उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।